बरसात का मौसम हो और लौकी के कोफ्ते ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि क्रिएटिव रेसिपीज और उसमें आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर सॉफ्ट कोफ्ते जो मैंने लौकी की सहायता से बनाए हैं। देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो लेंगे हम आधा किलो लौकी जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको छीलूंगी और इसको कर लेंगे हम कद्दूकस। हमें इसके बीज अलग नहीं करने हैं, हमें इसको पूरा ही कद्दूकस करना है क्योंकि इसमें बीज नहीं थी। अगर आपकी लौकी में बीज हो तो आप उनको हटा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फूड प्रोसेसर में अपनी लौकी को कद्दूकस कर लिया है और मैंने इसको नमक डालकर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं अच्छे से निचोड़कर निकाल दूंगी। जितना भी आपसे निकल सके उतना इसको दबा दबा कर प्रेस करके निकाल दें अच्छे से, सभी लच्छे में से पूरा पानी हम निकाल देंगे। इस तरह से मैं दिखाती हूँ इसमें कितना पानी निकल गया है। ये देखिए फ्रेंड, इसको हम अलग कर देंगे। और ये मैंने ग्रेवी के लिए लिए हैं दो टमाटर, मीडियम साइज के हैं, और दो तीन हरी मिर्च ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये लौकी में हम डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो हरी मिर्च डाली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, और ये रेड चिली पाउडर है, और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, और ये है दो चम्मच धनिया पाउडर, इसको भी हम डाल देंगे। और इसमें डालूंगी मैं आधा कप बेसन। बेसन को हम ना तो हम कम डालेंगे और ना ही ज़्यादा। अगर हम कम डालेंगे तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो फैल जाएंगे ग्रेवी में, और अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। तो आप अच्छे से क्वांटिटी का ध्यान रखें कि आधा किलो लौकी में आधा कप बेसन जाएगा। अब हम इनके इक्वल पार्ट कर लेंगे। और सरसों के तेल को हमने कर दिया है गरम अच्छे से, और अब जब हम लौकी को डालेंगे तो अपनी गैस को हम कर देंगे मीडियम टू स्लो, स्लो टू मीडियम, और अपने जो लौकी की बॉल्स हैं उनको अच्छे से हम साइज में सही कर लेंगे और एक एक करके धीरे धीरे डीप फ्राई करेंगे। एक साथ जितने भी कोफ्ते आपके आ जाएं उतने ही डालें। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका ऑयल ठंडा हो जाएगा और आपके लौकी के जो कोफ्ते हैं वो फैल जाएंगे। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए आप वीडियो को फुल वॉच करें और मेरी बात को ध्यान से सुनें। एक एक स्टेप वन बाई वन आप सुनते जाएं, इसी तरह से आपके सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लौकी के जो कोफ्ते हैं तैयार होंगे। और जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएं, जब भी उनको आप पलटें, इसी तरह से देखिए सारे जो हमारे कोफ्ते हैं वो सिक गए हैं। उसी ऑयल में अब मैं डालूंगी जीरा और हींग। तो मैंने एक चम्मच जीरा लिया है और यह अदरक का पेस्ट एक चम्मच, इसको भी ऐड कर देंगे। और ये विदाउट लहसुन प्याज की सब्ज़ी है, तो आप अपनी अगर आपको प्याज डालनी है तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और ये मैंने टमाटर और मिर्च को जो पीसा था ग्राइंडर में उसको आप डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अपने ऑयल में। ऑयल भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच भर के डालनी है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। धनिया पाउडर है दो चम्मच, हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, और सभी मसालों को मैं टमाटर के साथ हम भून लेंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने लगे इसके बाद हम अपना इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये मार्केट की है, आप घर में भी बना सकते हैं। जब टमाटर सस्ते हों तो आप काफ़ी सारे टमाटर ला कर उनके बॉईल करके उनका गूदा निकाल कर
आप ये प्यूरी तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए टमाटर ने जो ग्रेवी है हमारी उसने ऑयल रिलीज कर दिया है। अब हम इसको लगातार चम्मच की सहायता से चलाते हुए भूनते रहेंगे। और अब स्टेज पर हम डालेंगे अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो आप जितना कम ज़्यादा करते हैं खाते हैं उतना ही डालें। और ये देखिए मेरी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, सारा ऑयल छोड़ दिया है। तो अब स्टेज पर डालेंगे हम पानी, जिसमें हमने कोफ्ते के जो बैटर तैयार किया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसी ग्रेवी में हम ऐड कर देंगे। और मैंने लगभग इसमें एक गिलास पानी ऐड किया था। और जो हमारी ग्रेवी को अब अच्छे से बॉईल होने देते हैं इस तरह से, जब वह खूब अच्छी तरह से बॉईल होने लगे, कच्चे में ना डालें नहीं तो आपके कोफ्ते फैल सकते हैं। और जब हमारा ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो वन बाय वन करके हम अपने कोफ्ते को इसमें डाल देंगे। और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम अपनी ग्रेवी में अपने कोफ्ते को पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है और कम भी नहीं पकाना है, तो आप हर स्टेप का ध्यान रखें। और अब इसमें डाल दूंगी मैं कसूरी मेथी और गरम मसाला, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। कसूरी मेथी से बहुत ही डिलीशियस, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा यम्मी टेस्ट आएगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट करना, लाइक भी करना, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना, और उसके पास जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करना। तो ये देखिए मैंने अपने कोफ्तों को एक सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखिए कोफ्ता बिल्कुल भी फैला नहीं है और ये फूल कर और दुगने हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर तक पानी जो हमारी ग्रेवी है वो जा चुकी है, तो जिससे वो हमारे सॉफ्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कोफ्ते कैसे बने और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।